आज इस वीडियो बनाने का मकसद यही है। आप लोग सोच रहे हो बिना पैसा में हम चीनी का बिजनेस कैसे करेंगे। दोस्तों सिर्फ यंग जनरेशन जो है उसी के लिए ये वीडियो है। दोस्तों आज पूरा सीक्रेट बताएंगे आपको, बिना पैसा में आपको चीनी का बिजनेस करना है वो भी लाखों रुपया कमा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखो दोस्तों, आपको सीक्रेट मिल ही जाएगा। दोस्तों बिना पैसा इन्वेस्ट किए आपका बिजनेस हम खड़ा कर देंगे। जो बात हम बता रहे थे, आपको सप्लायर बनना है और सप्लायर बनने के लिए आपको लागत कितना खर्चा करना पड़ेगा, सिर्फ 2,000 से लेकर 3,000 रुपया। एक करेंट अकाउंट आपको ओपन करना है और आपको चाहिए क्या, ट्रेड लाइसेंस और GST। और जहाँ जहाँ आप मैंने बैंक में करंट अकाउंट बनाने के लिए 10,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, वो आपका ही रहता है। और ये आप सप्लायर बन के आराम से लाखों रुपए कमा सकते हो। और सोच रहे हो हम कहाँ से हमको माल मिलेगा, दोस्तों वो तो आपको चिंता मत करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हो, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे या फैक्ट्री जाके आपका नियर कोई फैक्ट्री हो वहाँ से जाके आप बात कर सकते हो, जैसे कि आपका माल हम सेल कर देंगे और आप मुझे कमीशन दे दीजिएगा, आप ओवर मनी भी कर सकते हो दोस्तों। और रही बात इस बात का, आपको परचेस करने के लिए आपका कस्टमर कहाँ से मिलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है जी, आपको कस्टमर कहाँ से मिलेगा, कस्टमर कहाँ से आएगा। आप एक वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से परचेस कर सकते हो, लीड कस्टमर परचेस कर सकते हो, या मुझे कॉल करके आप मुझसे भी कस्टमर ले सकते हो, क्योंकि मेरा पास भी कस्टमर है। मगर एक चीज़ है, कस्टमर को आप ठगाना मत, क्योंकि कस्टमर एकदम भगवान जैसा होता है। आप कस्टमर को लेके चलिएगा तो कस्टमर आपसे माल लेगा और आपका धंधा भी आराम से चलेगा। सिर्फ आपको काम करना है, कस्टमर के ये काम करना है, आपको कस्टमर को सेल नहीं करना, कस्टमर को सिर्फ सर्विस दो और उसका देखभाल करो और आपका धंधा आराम से चलेगा। दोस्तों और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो, हम आपको पूरा सिखा देंगे जो कैसे आपको ये बिजनेस करना है बिना पूंजी में सप्लायर का बिजनेस। और इसमें थोड़ा बहुत लाइसेंस लगता है, इसीलिए ये बिजनेस कोई कर नहीं सकता है, मगर हाँ आप कर सकते हो और लीड भी ले सकते हो, परचेस भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।